अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिल्म स्टार महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ देने के ऐलान पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने हैरानी का इजहार किया है। खबर एजेंसी NNI के मुताबिक फिल्म स्टार महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ देने के ऐलान पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की अक्सरियत ने जहां हैरानी का इजहार किया है, वहीं मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड को मेरिट से हट कर देने के फैसले ने हुकूमत की तब्दीली मुहिम को भी आड़े हाथों लिया है। एक तरफ जहां सिविल अवार्ड की ज्यूरी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, वहीं मुख्तसर अरसे में सिवाय आइटम सॉन्ग, टीवी कमर्शियल और चंद ड्रामे करने के अलावा कोई काबिल जिक्र काम ना करने वाली अदाकारा को सिविल अवार्ड देने के ऐलान ने मुल्क भर की फनकार बरादरी को झिंझोड़ कर रख दिया है। इस हवाले से जहां सोशल मीडिया पर वजीर आजम इमरान खान से शफाफ और इंसाफ के ना होने पर मामले का जायजा लेने की अपील की जा रही है, वहीं कराची से ताल्लुक रखने वाली तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से अदाकारा के ताल्लुकात का भी तस्करा हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर महविश हयात ने ऐसी कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं जिसके लिए तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। वाजा रहे कि इस बार योम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली 127 शख्सियात को सिविल अवार्ड देने का ऐलान किया गया है, जिनमें महविश हयात भी शामिल हैं। फिल्म स्टार महविश हयात को तमगा इम्तियाज देने के ऐलान पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने हैरानी का इजहार किया है। खबर एजेंसी NNI के मुताबिक फिल्म स्टार महविश हयात को तमगा इम्तियाज देने के ऐलान पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की अक्सरियत ने जहां हैरानी का इजहार किया है, वहीं मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड को मेरिट से हटकर देने के फैसले ने हुकूमत की तब्दीली मुहिम को भी आड़े हाथों लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।